काफ़ी अच्छा विकास चल रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन और लॉकडाउन के अनलॉकडाउन जब राउंड चल रहे हैं, तो उसमें मेरे हल्के पेवा में काफ़ी अच्छा विकास चल रहा है। अगर हम बात करें कई सड़कों का निर्माण जो काफ़ी सालों से रुका पड़ा था वो किया है, पार्क का निर्माण चल रहा है, हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, तो लगातार बैक टू बैक अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी सरस्वती माँ के मंदिर के बाहर जो एक ब्रिज बनना है उसका भी काम शुरू हुआ है और उसको हेरिटेज लुक में हम बना रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग पेवा से हैं और श्रद्धा रखते हैं माँ सरस्वती के मंदिर की, तो मैं चाहूँगा कि वो भी पूरी सपोर्ट करें और हम उनकी पूरी जो दिल की तमन्ना है उससे उसी तरीके से हम ये ब्रिज बना रहे हैं। और आगे माँ सरस्वती के लिए काफ़ी बजट भी आ रहा है जो पूरा रेनोवेट भी होगा, और साथ में पेवा के अंदर कई ऐसे चीज़ें जो हैं पाइपलाइन में हैं। COVID-19 के कारण काफ़ी कुछ स्लो डाउन हुआ है, रेवेन्यू के कारण आप सब जानते हैं, खुद आप समझते हैं। साथ ही अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं क्योंकि हमारी सरकार जो है वो पारदर्शिता के साथ चल रही है, और कुछ चीज़ें सामने आई थी मेरे हल्के से, कुछ व्यक्तिगत मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे आए थे कि जो फेक अपने आप को बताकर ये कहते हैं कि हम इस विधायक के या इस मंत्री के खास हैं और आप हमें पैसा दें हम आपको नौकरी लगवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारी जो हमारे प्रदेश के लोग हैं और आप मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको एक इतला करना चाहता हूं कि ये सब फेक है और इसकी बातों में मत आएं, ऐसे लोगों की बातों में मत आएं। जो हमें कंप्लेंट्स आई हैं उस जो भी व्यक्तिगत के लिए वो उसके अगेंस्ट FIR हो गई है और कार्रवाई चल रही है, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों से बचें क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो आपसे पैसे भी ठग लेते हैं और आपका नुकसान भी होता है। जी जी जो हाँ जी, वो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये ऐसे लोग अपने आप को बताते हैं कि हम किसी के साथ हैं या हम किसी के क्लोज हैं, तो वो लोग जो हैं बहुत ही मतलब समाज को गंदा करते हैं। सरकार पारदर्शिता के साथ लगातार नौकरियां भी लगा रही है, जो भी काम कर रही है वो बिना किसी खर्ची के बिना किसी पर्ची के कर रही है, तो मैं आप सब के माध्यम से पब्लिक को आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों से बचें। सर जी, आप अगर देखें सभ्यता के हिसाब से जो पुराना ब्रिज है उससे कहीं बेहतर लुक और उससे कहीं बेहतर हेरिटेज लुक में ये जाएगा, और अगर आप उसकी ड्राइंग देखें तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेरिटेज लुक में आएगा, और जो अभी है वो कहीं से किसी ने दीवार खड़ी कर दी है, किसी ने प्लस्तर नहीं किया, किसी ने कुछ अलग पेंट किया हुआ, तो एक अच्छी लुक में आ जाएगा जिससे कि आपको अगर देखेंगे तो लाल कलर का बनेगा जो बेसिकली हेरिटेज लुक आती निकलती है, और उसमें पूरे साथ में जो छोटे छोटे गुंबद से होते हैं वो बनाकर, तो जिससे कि आप जब चलोगे उसके ऊपर तो आपको खुद को महसूस होगा कि एक हेरिटेज लुक में आए। किसने दिया उनके लिए? तो मैं यही कहूँगा कि हमारा खुद का हल्का है, हम अपने तरीके से देख लेंगे। और रही बात स्टेडियम्स की, स्टेडियम्स का बजट जो रेनोवेट करने का, क्योंकि ऐसे ही लोगों की सरकार थी, इनको गाड़ी खरीदना पता है लेकिन गाड़ी की सर्विस करने के पैसे का नहीं पता कि वो कैसे निकाले जाएंगे। स्टेडियम तो बना दिए वोटों के चक्कर में, लेकिन उस उनकी सरकारों को ये नहीं पता था कि स्टेडियम बनाने के बाद उसको मेंटेन कैसे किया जाए। हम लोग स्टेडियम नहीं बनाएंगे, हम लोग मैदान बनाएंगे, जो स्टेडियम बने हुए हैं उसको रेनोवेट करके उसको अच्छे तरीके से रखरखाव के लिए चल रहा है काम, क्योंकि जो उन्होंने कई सालों से का गंद डाला हुआ है उसको हम साफ कर रहे हैं। अर्जुन अवॉर्डिस को जो खिलाड़ी हैं जो उनको आप कोच लगाने की बात कर रहे हैं?
नहीं देखो ऐसा अर्जुन अवार्ड ही नहीं, कई जो हमारी नर्सरीज हैं उसके अंदर पहले क्या था कि इंटरनेशनल प्लेयर या जिसने NIS की हो या जिसने यूनिवर्सिटीज़ के मेडल लिए हों, हमने उसको ऐड किया है नेशनल खेले हुए और मेडलिस्ट खिलाड़ियों को भी हम आगे आने वाले समय में नर्सरियों के लिए उनको एक ऑप्शन देंगे, जिससे कि वो अपनी गेम के अपने हुनर को छोटे बच्चों में डालें, जिससे कि स्पोर्ट्स जो है खिलाड़ी ज़्यादा करें। साफ चल रही है, आप जाकर देख लें, आप हमारी पोस्ट्स भी देख लें, लगातार साफ चल रहा है। और हमारे वहाँ पे वही कह रहा हूँ, नहीं बहुत सफाई चल रही है, आप देख लें, हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं सफाई के ऊपर। और जो काम पेंडिंग रहता है किसी भी तरीके का, पानी छोड़ने का, क्योंकि पीछे जब पानी बंद किया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के दौरान, तो अभी दोबारा शुरू करके उसकी सफाई कंटिन्यूसली चल रही है। बिना हैंड ओवर, मतलब बिना हम उसको अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने से लेने से पहले हम उसकी पूरी जांच करेंगे, अगर उसमें कोई कमी होगी कोई दिक्कत होगी तो जो बनाने वाले हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स को कंप्लीट करके उसके बाद ही हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। जी, देखिए रूल ऑफ कंडक्ट की जो उल्लंघना करेगा और उसको हम सख्त से सख्त उसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट के, उसमें आपको फॉलो करना होता है और आप गवर्नमेंट जॉब में रहकर आप उल्लंघना नहीं कर सकते। कार्रवाई उनको भी सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, देखते हैं उसके ऊपर उनका क्या एक्सप्लेनेशन क्या है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं खेलों में उनको स्टेडियम्स में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग इस तरीके से जो सोशल डिस्टेंस जो हमने SOP बनाया उसके माध्यम से कि आप डिस्टेंस भी रहे ट्रेनिंग कर सकें। जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे नर्सरीज में थे, तो हमारे उनके साथ नर्सरीज के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है, जिससे कि वो बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स के साथ रहे। लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स नहीं करते हैं उनका एक बड़ा विषय है, डेफिनेटली अगर वो स्पोर्ट्स में जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है, अपने प्लान में लेंगे उनको ट्रेनिंग। खेलो इंडिया को लेकर ये भी स्टेडियम्स को जितने भी हमारे पंचकुला और आसपास के जो स्टेडियम्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है, और ये सौभाग्य की बात है, मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने इतनी बड़ी हमें सपोर्ट की और खेलो इंडिया आया, क्योंकि 1966 से लेकर आज तक कोई भी ऐसी बड़ी गेम जो है हरियाणा ने होस्ट नहीं की, तो इट्स गुड। 20 गेमें होती हैं इसमें, और ये मैंने कहा जैसे पंचकुला और उसके आसपास के एरिया में रहेगा, और ये बेसिकली लगभग सारे देश के बच्चे आते हैं, और अंडर 17 और अंडर 19 के बच्चे, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों का ग्रुप होता है, और इसमें बेसिकली लगभग 15 से 18 दिन का जो गेम्स चलती हैं इसमें, ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी, इट्स लाइक अ गेम्स। जो आप अगर आप देखें स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर DD उस पर लाइव भी आता है उनके साथ, तो बहुत बढ़िया बड़े लेवल पर होता है, हम इसको कह सकते हैं कि हरियाणा इंडिया का ये ओलंपिक गेम्स की तरह है। उसके ऊपर चल रहा है लगातार, CM साहब अभी थोड़ा COVID-19 के पॉजिटिव होने के कारण जो है, अदरवाइज हमारी कंटिन्यू उसके ऊपर चर्चा चलती रहती है, कंटिन्यू कर रहे हैं। सर हॉकी का स्टेटस मांग रहे हैं कुरुक्षेत्र में, शाबाद के अलावा तो क्या रहेगा उसके क्या से आई हॉकी का स्टेटस मांग रहा है कुरुक्षेत्र शहर के लिए, कुरुक्षेत्र जिले में शाबाद के अलावा एक ये देखेंगे, और यहाँ पर खिलाड़ी हैं और साई का सेंटर भी बन रहा है, तो वो मैं सेंटर से बात करूँगा, अगर साई उसमें करती है ठीक है, नहीं तो हम उसी तरीके से अगर उनका रिप्लाई में होगा कि हम इसको एक्स्ट्रा टफ नहीं लगाना चाहते तो फिर हम देखेंगे इसको यूनिवर्सिटी में या कहीं आसपास शहर के अंदर, बिकॉज मेरा मकसद वही है जहाँ से खिलाड़ी बनते हैं वहीं पर ही हम उसके ग्राउंड के मैदान दिए जाएँ, अगर हम इधर उधर ज़्यादा दूर दे देंगे इससे कि खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि घरों के बच्चों के छोटे बच्चे हैं साइकिल पे भी जाते हैं, अगर थोड़े बच्चे हैं टू व्हीलर पे भी जाते हैं तो डेंजरस रहता है अगर थोड़ा दूर स्टेडियम बना दो। सर